हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम आज के टाइम का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। 20th सेंचुरी से पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम ये टर्म यूज नहीं करते थे, तो पॉलिटिकल सिस्टम 20th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। जी किसका रिजल्ट है? इट इज द रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन। बिहेवियरल रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है कि एक ह्यूमन के बिहेवियर को उसके एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारा स्टेट है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऑल दीज अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। जब हमने मॉडर्न अप्रोच की थी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम किया था, तब हमने पावर की, अथॉरिटी की बातें की थी। इसमें क्या कहते हैं, हम ये कहते थे कि ये बिहेवियरलिज्म अप्रोच है। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, वो बिहेवियरलिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इस टर्म को सबसे पहले ग्राम वॉल्स ने यूज किया था इन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908, लेकिन इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। जे इसने इसके ऊपर काम तो किया पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, लेकिन इसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको डिवेलप करने का सिरा जाता है डेविड ईस्टन को, जो कि एक अमेरिकन थ्योरिस्ट थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द पॉलिटिकल सिस्टम इन हिज बुक विच इज पब्लिश्ड इन 1953 मींस 20th सेंचुरी में, जो कि बिहेवियरलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। इन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटररिलेटेड एंड जी किसी ना किसी तरह ह्यूमन के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट है, मुझे किसी ना किसी बिहेव से इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और मेरा बिहेवियर इनको, इनका बिहेवियर मुझको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसके लिए आज के टाइम में हम पॉलिटिकल सिस्टम टर्म यूज करने लगे। पॉलिटिकल सिस्टम हम टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं? पहले ट्रेडिशनल टाइम में हम जैसे स्टेट कहते थे, गवर्नमेंट कहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे, प्रेशर ग्रुप्स कहते थे, लेकिन आज के टाइम में हम इनको सिस्टम कहते हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर आप न्यूज सुनते होंगे, न्यूज में भी ये कहते हैं हमारा सिस्टम चला रहा है, मीन्स हम इन सबको कोलैबोरेट कर लिया, साथ कर लिया। साथ करने के बाद अब हम इनके लिए सिस्टम टर्म को यूज करने लगे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? जैसे पहले स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती थी, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती थी, अब हम उनकी जगह पॉलिटिकल सिस्टम टर्म को यूज करने लगे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम कुछ नया नहीं है, बस ये टर्म नहीं है जिसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल सभी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना है? ये दो टर्म से बना है, पॉलिटिकल प्लस सिस्टम। जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है उससे, एंड सिस्टम एक सिस्टमेटिकल वे से, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? पॉलिटिकल सिस्टम बन गया। तो अब हम इनका मीनिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, जब भी पॉलिटिकल की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एरिस्टोटल ने तो जीव तक कह दिया पॉलिटिकल बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट, मीन स्टेट से स्टार्ट होती है और स्टेट से खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती गई, हमने इसमें डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करना शुरू कर दिया, इसमें स्टेट, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स सब कुछ इंक्लूड करने शुरू कर दिए। आज के टाइम में हम कहते हैं जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है, जे पावर की, रूल की, अथॉरिटी है, मीन्स जो भी हम पॉलिटिकल की बात करेंगे, पॉलिटिकल में हम बात करते हैं पावर की, क्योंकि
जिसके पास पावर है वो अपना डिसीजन लेता है और हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे 2016 में क्या था, एक नरेंद्र मोदी के पास पावर थी, उन्होंने क्या कर दिया, इकोनॉमी को डिमोनेटाइज कर दिया। उन्होंने कह दिया आज रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट्स चलने बंद हो जाएंगे। तो हम सबको वो रूल फॉलो करना पड़ गया, क्योंकि एक अथॉरिटी ने, एक पर्सन ने जिसके पास पावर थी, एक रूल बना दिया और सभी लोग उसको फॉलो कर रहे थे। इसी को तो हम पॉलिटिकल कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसका हर एक डिसीजन हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये पावर, रूल, अथॉरिटी की बातें क्या है, पॉलिटिक्स का पार्ट है, पॉलिटिकल का ही पार्ट है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन भी क्या है, पॉलिटिक्स में ही आती है। पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, मोस्ट सॉवरेन एंड इंक्लूसिव एसोसिएशन। ह्यूमन की लाइफ में बहुत सारे एसोसिएशन हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन कौन सी है, पॉलिटिकल एसोसिएशन। क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या है, सबसे सॉवरेन एसोसिएशन है एंड इंक्लूसिव एसोसिएशन है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। इट हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एसोसिएशन है, कास्ट की, कल्चर की एसोसिएशन है, ऑल दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पॉलिटिकल एसोसिएशन। जैसे COVID-19 की वजह से अब पॉलिटिकल एसोसिएशन ने डिसीजन लिया कि सभी मंदिर गुरुद्वारे भी बंद कर दिए जाएंगे, चर्च बंद हो जाएगी। इट मींस क्या हो गया, सभी मंदिर गुरुद्वारे भी सब कुछ बंद कर दिया गया, क्योंकि ये क्या है, हम सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या है, सबसे सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, जिसमें सारी एसोसिएशन इंक्लूड होती है। जो जी एसोसिएशन जो कहती है, हम सब वही फॉलो करते हैं। देन इसमें हम जी कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, जे इनफॉर्मल हो गए और जे फॉर्मल हो गए, जे सभी क्या है, पॉलिटिकल का पार्ट है। तो जे था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, जिसमें हम कहते हैं पावर, रूल, अथॉरिटी की बातें, स्टेट गवर्नमेंट, डिसीजन, इसके ऑर्गन्स है, वो सभी न सभी पॉलिटिकल का ही पार्ट है। जो पावर को यूज कर रहे हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जो रूल बनाते हैं, और हम सब लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। अब करते हैं मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम होता क्या है, इसको एलमेंट एंड पावर ने डिफाइन किया है। ही सेड ए सिस्टम इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स एंड बाउंड्रीज। मींस क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, तीन ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से, पहले कहेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की अपनी बाउंड्री है। बाउंड्री में क्या होगा कि बाउंड्री में अगर लेजिस्लेचर वो लॉ बनाने का काम करेगी, और एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, और जो अपनी बाउंड्री में रहकर अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ही सेड ए सिस्टम इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ सम काइंड बिटवीन इट एंड इट्स एनवायरमेंट। इसकी एनवायरमेंट में क्या है, बाउंड्रीज है, और अपनी लिमिट में रहकर ये सभी काम करते हैं। तो सिस्टम क्या है, एक तरह से जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम के सब पार्ट्स हैं, सब सिस्टम है, वो अपनी अपनी लिमिट में रहकर काम करते हैं। जैसे एक बॉडी है, बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। बॉडी के कितने ही ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिस सभी क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। लाइक दिस, अगर सिस्टम में कोई भी एक सब सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, इसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ेगा, पूरी पॉलिटिकल
सोसाइटी पर पड़ेगा, एसोसिएशन पर पड़ेगा। इसीलिए आज के टाइम में हम क्या टर्म यूज करने लगे, सिस्टम टर्म यूज करने लगे, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स है इट इज इंटर रिलेटेड। इसके सभी सिस्टम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर सारा काम सिस्टमेटिकल होगा तो स्मूथ वर्किंग होगी, अगर सिस्टमेटिकली नहीं होगा तो स्मूथ वर्किंग खत्म हो जाएगी और सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और इससे परेशानी पब्लिक को भी है एंड इसको बनाने वालों को भी है। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, इन दोनों का इंक्लूसिव होगा। सिस्टम क्या है, एक प्रॉपर वर्किंग जिससे हम अच्छी तरह से मिलकर काम कर सकते हैं। तो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है पहले यूनिटी, ये यूनाइट होकर साथ मिलकर काम करता है। इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेचर एक अलग सिस्टम हो गया, एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, कल्चरल एसोसिएशन, डिफरेंट एसोसिएशन, वो क्या होगी, सब सिस्टम्स होगी। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सब मिलकर काम करती हैं एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल सब सिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये इन सब में क्या है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, आपस में मिलकर काम करते हैं, हर एक का काम एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है एंड सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज है। हर एक सिस्टम क्या करेगा, अपनी लिमिट में रहकर ही अपना काम करता है, कोई दूसरे की बाउंड्रीज में इंक्लूड नहीं होता। देन जो जी सब सिस्टम है, जे सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा लार्ज है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो ये था मीनिंग ऑफ सिस्टम। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो पॉलिटिकल प्लस सिस्टम, जिसमें हमने कहा पावर रूल अथॉरिटी की बातें कर रहे हैं, जिस जो सब कुछ सिस्टमेटिकली चलेगा, तो हर एक सिस्टम में सिस्टमेटिकली वर्क करना, बॉन्ड्स में रहकर काम करना, इंटरडिपेंडेंस होकर काम करना, एक दूसरे से इंटररिलेटेड होकर काम करना ही पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। अगर एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं करप्शन की, हम कहते हैं सिस्टम सारा करप्ट हो गया। अगर एक पर्सन भी करप्ट हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, सारा सिस्टम करप्ट हो गया। तो इस सब को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर रूल बनाए गए हैं, अगर सभी फॉलो करेंगे, एक्चुअल वे से फॉलो करने लग जाएं, तो क्या होगा, तो इससे सारा सिस्टम करेक्ट वे से काम करना शुरू कर देगा। तो एक पार्ट भी अगर कोई गलत काम करता है, इसका इम्पैक्ट सारे पॉलिटिकल सिस्टम को पड़ता है। अगर सभी मिलकर अच्छे से इंटर रिलेटेड होकर आपस में मिलकर काम करें तो स्मूथ वर्किंग होगी। नाउ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन कैसे किया गया है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको रॉबर्ट डहल ने डिफाइन किया है। ही सेड ए पॉलिटिकल सिस्टम इट इज एनी प्रिसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मींस जे ह्यूमन रिलेशनशिप का एक प्रिसिस्टेंट, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट पावर रूल और अथॉरिटी, मींस जो ह्यूमन के बिहेवियर को उसकी पावर है, रूल है, अथॉरिटी है, जी सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस पैटर्न को डिफाइन करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा कॉन्टिन्यूस सिस्टमेटिकल प्रसिस्टेंट पैटर्न है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि हर एक डिसीजन हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन किया गया, ह्यूमन के रिलेशनशिप को डिफाइन किया है, जिससे उसका हर एक एस्पेक्ट डिफाइन होता है, चाहे मेरा सोशल लाइफ हो, रिलीजियस लाइफ हो, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिस सब मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया, एक वास्ट कॉन्सेप्ट हो गया जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में हम कहते हैं सबको सिस्टमेटिकली चलना चाहिए, जो भी स्टेट अथॉरिटी रूल, जिसके पास पावर है, जिसके पास रूल है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो सब कुछ इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। होप सो कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।